बागेश्वर में बाल विकास विभाग के तत्वाधान में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई। राष्ट्रीय पोषण मिशन और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए लोगों को संदेश दिया गया। इस मौके पर बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी समेत गणमान्य लोग मौजूद रहे। जिला अधिकारी राजेंद्र प्रसाद बिष्ट ने कहा कि मौजूदा समय में बेटियों का लिंगानुपात लगातार कम होता जा रहा है, जिसे रोकना सभी का कर्तव्य है। कार्यक्रम में बताया गया कि प्रधानमंत्री के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन को धरातल में हर हाल में सफल करना है। इस मौके पर एक या अधिक लड़कियों को गोद देने वाले दंपतियों को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर उप जिला अधिकारी राकेश चंद्र तिवारी ने कहा कि समाज को बेटियों के प्रति अपनी विकृत मानसिकता को त्याग कर बेटियों के प्रति सकारात्मक नजरिया अपनाना होगा। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे बहुत फोकस कर रही है, और हमारा जो जनपद का बाल विकास विभाग है, विशेष तौर पर DPO और उनकी जो हमारी टीम है, उनके द्वारा बच्चियों को के अच्छी शिक्षा दीक्षा, उनके पोषण, उनके स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए लगातार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उससे न केवल उनको प्रेरणा मिलती है बल्कि प्रोत्साहित होती हैं, और अपना अच्छा करियर बनाने के संबंध में जो बेटियां हैं उनके साथ साथ जो उनकी माँ हैं, पिता हैं, दोनों जो पेरेंट्स हैं, वो भी मोटिवेट होते हैं। और बड़ा अच्छा मैसेज जा रहा है उसमें, जो समाज की एक बहुत वर्षों से विसंगतियाँ फैली हुई थी कि बेटे बेटी समान नहीं होते, वो लगभग अब ना के बराबर रह गया है, कि बहुत कम ही परिजन होंगे जो बेटी और बेटे में असमानता देखते होंगे। नहीं तो सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारी बच्चियों को अच्छा मुकाम हासिल हो। राष्ट्रीय पोषण मिशन के उद्देश्य और गतिविधियों के बारे में बाल विकास अधिकारी ने लोगों को जागरूक किया और बच्चियों के किए पोषाहार की जरूरत को समझाया। साथ ही गर्भवती महिलाओं को कुपोषण से बचाने के लिए पोषक आहार खाने की सलाह दी। जिले की जो हमारा एक्शन प्लान है, उसमें गरीब और असहाय बालिकाओं को सहायता का भी प्रावधान है। मतलब कुल मिलाकर के इन सारे प्रोग्रामों का उद्देश्य यह है कि बेटियों के प्रति जो परंपरागत मानसिकता जो विकसित हुई है उसको चेंज किया जाए। और दूसरा जो यहाँ पर आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो बेटियों को भी अपनी जो उनकी अपनी क्षमताएँ हैं वो किसी से कम नहीं है। वहीं छात्राओं ने भी कार्यक्रम से मिली जानकारियों को अपने जीवन में अमल में लाने की बात कही। साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लोगों तक पहुंचाने की शपथ खाई। और इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान से हम लोगों को ये भी करेंगे कि हम उनको जागरूक करेंगे कि हाँ, बेटियाँ भी कुछ कर सकती है, और हमें बेटी को भी आगे तक पहुँचाना चाहिए, जैसे बेटे सब कुछ कर सकते हैं। कार्यक्रम में शामिल महिलाओं का कहना था कि पुरुष और महिला समाज की रीढ़ है, लोगों को महिलाओं के प्रति अपनी मानसिकता बदलनी होगी। आज कई क्षेत्रों में महिलाएं पुरुषों के मुकाबले अच्छा काम कर रही हैं, इसे समाज को समझने की जरूरत है। महिलाओं की जो स्थिति है उसके बारे में महिलाओं को ही पहले सोचना पड़ेगा, हमें ही आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि घर की सूत्रधार एक जननी है, और जननी ही जहां से भेदभाव करेगी तो ये कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ सकता। बाल विकास विभाग के इस कार्यक्रम में ये बताया गया कि महिलाएं ही इस समाज की नींव है, और महिला सशक्तिकरण के लिए देश में जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका लाभ प्रत्येक महिला तक पहुंचाने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। बागेश्वर से जगदीश उपाध्याय की रिपोर्ट।